मुझे ख्वाब की ताबीर मालूम करनी थी। मैंने ख्वाब देखा है, मैं अपने वाले साहब के साथ एक सफर पर हूँ और जैसे ही सफर अख्ताम होता है तो हम थोड़ा सा चलते हैं, सामने बड़ी बड़ी इमारतें आती हैं और इमारतों के दरमियान से ही मैं अपने वालिद को कहता हूँ कि वो देखें गुम्बद खजरा नजर आ रहा है। तो मेरे वालिद साहब पूछते हैं कहाँ है, तो मैं उनको बताता हूँ। तो थोड़ा सा मजीद और हम आगे चलते हैं तो मेरे वालिद साहब देख कर सुभान अल्लाह कह देते हैं, नजर आ जाता है। और ये ख्वाब सुबह का वक्त था, तो इरशाद फरमाते हैं इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। सुभान अल्लाह जी। असद भाई क्या फरमाएंगे आप? मदीने पाक की ज्यारत करना और खास तौर पर गुम्बद खजरा रोजे रसूल की, एक तो इसमें ये पॉजिटिविटी होती है कि अल्लाह पाक की तौफीक से हकीकत में भी बंदा वो सफर इख्तियार करेगा, एक अच्छा साइन है, शुक्र भी करे बंदा और कोशिश भी करे, अमली इकदाम भी करे। दूसरा रोजे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज्यारत, ये शफात मुस्तफ़ा मिलने, इसी तरह अगर कोई गमजदा है, दुखी है, बीमार है तो उसे शिफा नसीब होने की अलामत हुआ करता है। तो बड़ा ही प्यारा ख्वाब है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे और बंदा दुआ भी करता रहे। हम दुआ भी करते हैं अपने लिए भी, सबके लिए, कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, फिर वो वक्त हम अपनी आंखों से बहुत जल्द देखने में कामयाब हों कि जूक दर जूक दुनिया भर से उस शाख मदीने पाक की हाजिरी देने में कामयाब हों, फिर वो मक्का पाक के तवाफ की वैसी रौनकें बहाल हों। अल्लाह करे कि ये वक्त हम जल्द अज जल्द देखें। बहुत सारे लोग तड़प रहे होंगे, कई बेचारे असबाब भी लिए बैठे हैं लेकिन ज़ाहरी तौर पर हालात ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से जा नहीं पा रहे। तो अल्लाह पाक हमें जल्द अज जल्द दोबारा वो मनाजिर देखना और वहाँ की हाजिरियाँ करना नसीब फरमाए।